Hey everyone, it's Meenakshi. Welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCaffeine Naked and Raw Coffee Face Serum के बारे में. Now this is a requested video और बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था. So first of all, very very sorry to all of you all who asked for it. अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट लास्ट entire मंथ ऑफ जनवरी आई वॉज यूजिंग अ डिफरेंट सीरम. बेसिकली आई हैड टेकन अप वन बॉटल चैलेंज विद मामा अर्थ एंड आई वॉज ट्राइंग आउट देयर स्किन एल्यूमिनेट फेस सीरम विच इज देयर विटामिन सी सीरम. और वो बॉटल मेरी करीब 23-24 तारीख के आसपास खत्म हुई थी. तो टेक्निकली मैंने 25 तारीख से इसको यूज करना शुरू किया था. सो आई थिंक अभी तक ऑलमोस्ट 15-16 डेज हो गए मुझे ये यूज करते हुए. तो आई थिंक आई एम इन द राइट पोजिशन टू टॉक अबाउट इट एंड टू गिव यू गाइज अ जेन्युइन ओपिनियन ऑफ दिस प्रोडक्ट एज टू व्हाट आई थिंक ऑफ इट. एंड ऑल्सो मैंने एक बात नोटिस करी, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ किसी स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशली सीरम्स, तो मुझे ऐसे कॉमेंट्स या पिंग बाद में आप लोगों के डीएम या कुछ आते हैं जब आप कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए उस सीरम की इफेक्टिवनेस पूछते हैं. लाइक कई लोग पूछते हैं कि पिगमेंटेशन पे वर्क करेगा कि नहीं, या मुझे पिंपल्स होते हैं मैं ये यूज कर सकता हूं कि नहीं, या मुझे डार्क स्पॉट्स हैं तो ये उनको कम करेगा कि नहीं. तो होता क्या है, बेसिकली सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, सबके अच्छे ही सीरम्स होते हैं, एज सच किसी में कोई खराब ही नहीं होती. लेकिन आप लोगों के सर्टन स्किन इश्यूज होते हैं जिनको एक्सपेक्ट करके आप उस हिसाब से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं कि मेरे पर्टिकुलर स्किन इशू में ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा कि नहीं, तो ही मैं इसको खरीदूं. इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल में इस प्रोडक्ट के बारे में बात तो करेंगे ही, हम डिस्कस करेंगे इसके सारे फीचर्स, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या करता है नहीं करता, साथ में इसके प्रोज और कॉन्स भी मैं हर बार की तरह आपको बताऊंगी. बट उसके साथ साथ मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो ये भी बताऊंगी कि किन चीजों पर ये काम करेगा और किन पर नहीं, सो दैट यू कैन कम टू अ डिसीजन कि आपने अपनी स्किन इश्यू के हिसाब से ये प्रोडक्ट खरीदना आपके लिए मेक सेंस करेगा कि नहीं. सो नाउ दैट आई हैव ऑलरेडी मेड यू गाइस वेट सो मच, आई विल नॉट मेक यू वेट एनी लॉन्गर. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट. To begin with the packaging, it basically comes in a cardboard box like this, जिसपे सारे details दिए हुए हैं. ये FDA approved है, SLS free है, dermatologically tested है, cruelty free है, paraben free है. इस पैक के अंदर से आपको एक ग्लास की बॉटल निकलती है जिसमें ड्रॉपर स्टाइल पैकेजिंग दी हुई है. ये 40 ml की पैकेजिंग है, ऑलमोस्ट 2 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है और ये आपको करीब 645 इसका प्रिंटेड प्राइस है. लेकिन नायका और अमेजोन वगैरह पे आपको ये 615-620 के आसपास आराम से मिल जाएगी. उसके अलावा अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो फ्रेग्रेंस इज माइंड ब्लोइंग, स्पेशली इफ यू आर अ कॉफी लवर, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द फ्रेश अरोमा ऑफ कैपेचिनो दैट इट गिव्स. उसके अलावा इसका जो टेक्सचर है बहुत ही लाइट वेट है, जेंटल है, बहुत आसानी से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है और समर्स वगैरह में भी आप इसको इजीली लगा सकते हैं. अब अगर हम प्रोडक्ट के मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें है प्योर अराबिका कॉफी का एक्सट्रैक्ट और एसेंस. बेसिकली उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में हेल्प करते हैं और उसकी वजह से आपकी स्किन पे जो साइंस ऑफ एजिंग आ गए हैं, हल्के बहुत आपको फाइन लाइन्स है, रिंकल्स वगैरह हैं, उसको ठीक करने में, थोड़ा हद तक उसको टोन और फर्म करने में ये आपकी मदद करता है. उसके अलावा जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें है वो है व्हाइट वाटर लिली. आप में से बहुत लोगों को अगर नहीं पता हो, व्हाइट वाटर लिली बेसिकली सिर्फ हमारी स्किन के लिए नहीं, ओवरऑल बॉडी के लिए, बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती है. व्हाइट वाटर लिली बेसिकली आपके स्किन के जो पीएच बैलेंस को मेंटेन भी करता है, आपकी इरिटेटेड स्किन को सूथ भी करता है, आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स की अपीयरेंस को भी थोड़ा सा कम करता है. उसके अलावा वो आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल और यूथफुल बनाने में भी बहुत हेल्प करता है. लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है. बेसिकली अपने वॉश्ड फेस के ऊपर आप इसकी 2-4 ड्रॉप्स लेकर अपवर्ड मोशन में हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए. हो सके तो दिन में 2 बार ये प्रोसेस आप जरूर कीजिए. इसकी अच्छी बात ये है कि इसे आप मल्टीपर्पज तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप टोनर नहीं लगाते और फेस वॉश करते डायरेक्टली भी आप इसको लगा सकते हैं. दूसरी चीज, अगर आप इसे एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हैं, तो आप इसे एज अ प्राइमर लगाकर डायरेक्टली अगर इसके ऊपर मेकअप करेंगे तो आपके जो अनइवन पोर्स हैं, जो टेक्सचर है थोड़ा बहुत स्किन का, वो भी थोड़ा लेवल हो जाएगा. उसके अलावा नंबर 3, इट डजंट हैव टू बी फॉलोड अप बाय अ मॉइस्चराइजर और अ डेली क्रीम. जैसे कि मैंने कहा, अगर आप गर्मियों वगैरह में या स्किन बहुत ज्यादा आपकी ऑयली होती है, आपको कई लेयर्स ऑफ क्रीम्स लगाना नहीं पसंद है, तो आप सिर्फ इसको लगाकर भी छोड़ सकते हैं. हाँ, मगर ऑब्वियसली अगर आप बाहर जाएं तो आई हाईली सजेस्ट कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, बट घर में आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं. अब बारी आती है इस प्रोडक्ट के नेगेटिव्स की. नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस प्रोडक्ट में एज सच 15-17 दिनों में मैंने तो कोई नेगेटिव एक भी चीज नहीं देखी है. लेकिन हाँ, इनकन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पैकेजिंग का थोड़ा सा उसमें रोल है, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है. बेसिकली ये ग्लास पैकेजिंग में आता है और कोई भी अच्छे सीरम्स की यही निशानी होती है कि उन्हें हमेशा ग्लास बॉटल्स में ही स्टोर करना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं स्टोर करना चाहिए. तो ये एक अच्छी बात है, तो ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है. लेकिन इसकी वजह से एक छोटी सी इनकन्वीनियंस आपको ये हो जाती है कि जब आप ट्रैवल करते हो
तो इसका टूटने का डर रहता है, तो आपको हमेशा इसको बॉक्स में डालकर ही ट्रैवल करना चाहिए, नहीं तो आपका बाकी का सामान भी खराब हो सकता है। तो बहुत डेलिकेट पैकेजिंग है उस हिसाब से। दूसरी चीज, इसमें जो ड्रॉपर दिया हुआ है ऑब्वियसली वो इस हिसाब से दिया हुआ है ताकि इसकी जो हर ड्रॉप निकले वो अनटच्ड हो, प्योर हो, हाइजीनिक हो, राइट। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर जैसा नहीं है, थोड़ा सा हर सीरम थोड़ा सा थिक होता है, तो उसकी वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं कि ड्रॉपर के आर पार जो है वो सीरम लगा रहता है, थोड़ा सा मैसी हो जाता है। इमीडिएटली इसको बॉटल से निकालते ही तुरंत आपको फेस पे लगाना होता है, थोड़ी सी देर कर दी आपने तो इधर उधर ये स्पिल कर जाएगा। सो वो सिर्फ इसके ड्रॉपर की वो छोटी सी प्रॉब्लम है। सो बेसिकली ये कोई बुराई नहीं है इस प्रोडक्ट की, लेकिन ये इसका इनकन्वीनियंस है पैकेजिंग का व्हेन यू ट्रैवल एनीवेयर। Now coming to the most awaited and crucial segment of this video for which you have been waiting for. So I'm going to tell you exactly what are the skin concerns with which this product might help you, might work for you, and there are certain areas wherein this product will not help at all. So let me tell you guys one by one. सबसे पहले एक generic question दी, अगर हमारी skin acne prone है, pimple prone है, oily है तो हम use कर सकते हैं? Answer is बिल्कुल use कर सकते हैं, बल्कि acne prone, pimple prone और oily skin के लिए ये product वंडरफुल है, इट्स 10/10। दूसरी चीज, अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो भी इट्स अ थम्स अप। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हो सकता है आपको 2-3 ड्रॉप थोड़े एक्स्ट्रा लेने पड़े, लेकिन आपके लिए भी ये वर्क कर जाएगा। अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई है तो हो सकता है कि आपको ये प्रोडक्ट उतना पसंद नहीं आए, क्योंकि इसका हाइड्रेशन उतनी देर तक के लिए नहीं टिकता है, थोड़े ही मिनट्स के बाद आपको ड्राइनेस जरूर लगने लगेगी। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप फिर भी इसको यूज करना चाहते हैं तो थोड़ी सी डबल क्वांटिटी लेके लगाएं, और उसके बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर ही आपको मॉइस्चराइजर या क्रीम उसके ऊपर से जरूर लगा लें इफ यू हैव एक्सेसिवली ड्राई स्किन। अगली बात, अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपको डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो उन पे ये वर्क करेगा कि नहीं? नॉर्मल लेवल ऑफ पिगमेंटेशन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू आई थिंक 40-50%, दैट टू यू हैव टू यूज इट एटलीस्ट 15-20 दिनों के लिए, उससे पहले नहीं। तो आपके जो ब्लेमिशेस हैं वो 40-50% जरूर उनमें आपको फर्क देखने को मिलेगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। सो अगर पिगमेंटेशन कितनी पुरानी है, क्या रीजन है उसके पीछे, उस पर भी डिपेंड करता है। सो 40-50% तक का डिफरेंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट, बट इफ यू हैव हाइपर पिगमेंटेशन दिस इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क। अगली चीज, क्या ये सीरम टीनेजर्स के लिए सूटेबल है? आंसर इज, अगर आप ऑलरेडी किसी क्रॉनिक हार्मोनल एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ऐसा सजेशन होता है टीनेजर्स को कि आप 21-22 की एज के बाद ही सीरम्स यूज करना शुरू करें, उसके पहले यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद अदर स्टफ दैट्स गोइंग ऑन योर फेस, सो आई विल नॉट एडवाइस, बट इफ यू स्टिल वॉन्ट टू, आप 21-22 के बाद इसको यूज कर सकते हैं, और उससे पहले अगर यूज करना चाहते हैं तो डू इट ओनली वेन यू ऑलरेडी यू आर नॉट फेसिंग एनी प्यूबर्टी related issues on your face. अगला क्वेश्चन आता है, दी थोड़ी बहुत सन टैनिंग हो गई है तो वो इससे उसका डैमेज रिपेयर हो पाएगा कि नहीं? आंसर इज येस, मैंने देखा है कि ये टैनिंग पर भी काफी हद तक वर्क करता है। अगला क्वेश्चन आता है, दी लार्ज पोर्स है मुझे तो वो श्रिंक हो जाएंगे कि नहीं? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, अनलेस एंड अंटिल अ प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड लाइक दैट, इज इज पर्टिकुलरली डिजाइन टू श्रिंक योर पोर्स, देर आर वेरी रेयर प्रोडक्ट दैट बेसिकली work as pore minimizing agents, no matter what their description say or whatever, pore minimizing qualities बहुत कम serums में होती हैं, तो उस उम्मीद से आप इस product को मत खरीदिए। And now to sum up the whole discussion, if you were to ask me, I would definitely rate this product as a, easily 9/10. I think जितनी सारी इसमें qualities हैं इस price के लिए, वो उसकी एक एक drop को worth it बनाता है। If you are considering to buy this, इट्स अ कम्प्लीट गो अहेड, जाइए, गिव इट अ ट्राई, आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, एंड इसकी एक एक बूंद इज कम्प्लीटली वर्थ इट। इसमें सिर्फ 2 छोटे माइनर ड्रॉबैक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए, एक इसकी कांच की बॉटल है तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, थोड़ा सा डेलिकेट हो जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर एक्सेसिवली ड्राई स्किन है आपकी तो ऑब्वियसली इसकी आपको डबल क्वांटिटी लग जाएगी और जल्दी से इसका मॉइस्चर चला जाएगा, बट दीज आर लाइक वेरी माइनर पॉइंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, ये सारी स्किन टाइप्स को सूट भी करता है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका परचेज लिंक दे दूंगी, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेरीज। स्टिल अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस बच गए हो तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, आई बी मोर देन ग्लैड टू आंसर। एंड या विद दैट सेड, आई एम गोना रैप दिस वीडियो राइट हियर एंड आई एम गोना मीट यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, आई लव यू ऑल एंड स्टे ब्यूटिफुल।